हेलो गाइस, तो आज मेरा लंदन में फर्स्ट डे है। तो आज मैं लंदन आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी ठंड है यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं डबलिन से आया, तो काफ़ी डबलिन जैसा ही है। ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेटर वर्जन ऑफ डबलिन, बट ऑब्वियसली लंदन काफ़ी ओल्ड सिटी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। मैं तो मोस्टली सेंट्रल लंदन में ही घूमूंगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा जितना आपको दिखा सकता हूँ। और ये व्लॉगिंग का भी यही पर्पस है कि मैं दिखा सकूँ कि कैसा है ये सेंट्रल लंदन। तो चले देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। मैं बड़े लंदन की किसी अच्छी जगह आ गया हूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह ही है। और ये एक्चुअली मैं मेन सिटी सेंटर में फिर रहा हूँ, जो इनका सेंट्रल लंदन कहलाता है। या आप मेरे पीछे वो झूला भी देख ही सकते होंगे, वो जो इनका मेन झूला है। और उसके अलावा ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छी, यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। मैं यूरोप से आ रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस की हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, बड़े तमीज़ के डिसेंट लोग हैं। इतना कोई मुझे होमलेसेस वगैरह यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। हमारे तो अगर वहाँ पे आयरलैंड की तरफ जाएं तो काफ़ी सारे होमलेस लोग दिख जाते हैं, न्यूयॉर्क जाएं तो हद ही कर दिया वहाँ पे तो। लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, अगर रहने के लिहाज से देखें तो काफ़ी डिसेंट जगह है। लंदन की एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट है, विक्टोरिया स्ट्रीट। तो इस वक्त हम वहीं पे हैं। ये लंदन बसेस काफ़ी अच्छी दिखती हैं, खूबसूरत बसेस हैं ये जैसा कि आप देख सकते हैं कोई बहुत ही बड़ा चर्च है मेरे पीछे, और काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी हम फिर रहे हैं, चर्चेस हैं काफ़ी पुराने। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी काफ़ी पुरानी कोई सी बिल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत और पुरानी हिस्टोरिकल जगह हैं यहाँ पे, तो आप भी आएँ विज़िट करें। ये देखें, लंदन की एक मैं बड़ी ही मशहूर जगह पे आ चुका हूँ इस वक्त, वेल। ये आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा भी होगा, ये पीछे मेरे देख सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर प्लेस है ये। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं द बैटल ऑफ ब्रिटेन भी है, और ये अपना बिग बैंग है मेरे पीछे, और ये मेरे पीछे है इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड का ऑफिस। ये इनका हेड ऑफिस है स्कॉटलैंड यार्ड का, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। हम पाकिस्तानियों ने तो बहुत ही नाम सुना होगा, और ख़ासकर कराची वालों ने स्कॉटलैंड यार्ड का। तो ये है, और उसके अलावा ये सारी बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं जो लंदन टूर करवाती हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा कुछ ख़ास करने का इरादा है नहीं, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेंट्रल लंदन में घूम रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी चला हूँ आज के दिन में। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ लंदन ब्रिज की तरफ, क्रिंक प्रिजन। ये भी कोई हिस्टोरिकल प्रिजन है, मुझे नहीं पता जो भी है फिलहाल, लेकिन काफ़ी खूबसूरत जगह है ये लंदन जो है। इस रियली अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, काफ़ी अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। आपका इंटरनेट वगैरह हर जगह अच्छा चल सकता, आपको इशू नहीं, लेकिन दिस प्लेस इज़ रियली गुड।
मैं आप सबको बोलूँगा मस्ट विजिट, जिस जिसको मौका मिले लंदन में एक वक्त लगाएं, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली इससे बेटर जगह जाएं, हज करें, उमरा करें, लेकिन उसके बाद आप लंदन भी ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, आप लिटरली बड़ा आपको अच्छा फील होगा जब आप यहाँ आएंगे। लंदन ब्रिज होटल, सॉरी लंदन ब्रिज स्टेशन, ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। तो भाई हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं हमारा लंदन ब्रिज। तो ये हमारा लंदन ब्रिज है, अभी जाके देखते हैं क्या स्टोरीज है। तो फाइनली लंदन ब्रिज हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अभी कि कैसा सीन है यहाँ का। काफ़ी सुना है इसके बारे में कि बड़ा ही कोई अच्छी जगह है, मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं लग रहा, बस हाँ मूवीज़ वगैरह में देखा है, तो ये जगह जो है हमने मूवीज़ में काफ़ी देखी है, तो उस लिहाज से मेरे अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट है, मगर देख के तो कुछ ऐसा यूनिक टाइप का नहीं लग रहा है कि कुछ बिल्कुल ही अलग सी चीज़ है। नहीं हमारा अगर वहाँ पे देखें दूसरी जगह तो सही है, उससे भी बेटर काफ़ी जगह है, मगर ऑब्वियसली मशहूर है, इन लोगों ने अपनी इमेज अच्छी बनाई है। तो ये लंदन ब्रिज आ गया हमारा, तो देखते हैं चलें क्या सीन है। तो भाई ये है लंदन ब्रिज, जिसको आप सब देखते हैं काफ़ी मूवीज में। उसके अलावा यहाँ पे पूरा पीछे की तरफ बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स भी आपने काफ़ी मूवीज में देखी होंगी, और इस साइड भी बिल्डिंग्स हैं भाई, ये भी आपने मूवीज में देखी होंगी। तो ये जगह है जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी जगहों पे आपने देखी होगी, तो अच्छा है, अच्छा व्यू है देखा मैंने, लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों ने डेवलप किया हुआ है, पुराना है, तो ग्लैमर वगैरह फील आता है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं टूरिस्ट, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, सब अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं, काफ़ी बिजी प्लेस है, अच्छी जगह है, आप भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएँ, सब लोग आएँ, मज़े करें, हम भी मज़े कर रहे हैं, आप भी मज़े करें, हम अकेले मज़े कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ मज़े करें। तो हाँ अच्छी जगह है, आया मैं फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा मुझे काफ़ी, फिर आएंगे कभी, फिर आएंगे, लेकिन फिर लंदन नहीं आएंगे, फिर हम यूके आएंगे तो स्कॉटलैंड जाएंगे, लंदन देख लिया, काफ़ी अच्छा है लंदन, रिकमेंड करेंगे घूमने के लिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर स्कॉटलैंड जाएंगे, लेकिन अभी अब मैं जाऊँगा सेंट्रल लंदन की तरफ, जितना हो सका दिखाऊँगा आपको, जितना आपको मज़ा आया देखें आप मेरे साथ, देखते जाएँ, इन्जॉय करें, मेरा काम है आप लोगों को इन्जॉय करवाना, खुद भी इन्जॉय करना, अकेले में इन्जॉय करना, तन्हाई में इन्जॉय करना। मैं तो ये अभी हम ब्रिज के ऊपर हैं, ये लंदन ब्रिज के ऊपर का पार्ट है, ये टावर ब्रिज मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये टावर ब्रिज है जो नीचे से अभी हमने दिखाया था, वो ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, देखें अच्छी जगह है, और काफ़ी धूप भी निकल रही, वेदर भी बड़ा अच्छा हो रहा है। गाइस बहुत बिजी प्लेस है ये, यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं, ये हमारे वहाँ पे आयरलैंड में भी होते हैं होमलेस लोग, टी पिला के बस लड़ते हैं ये आपस में, बहुत ही बिजी है यहाँ का सेंट्रल लंदन, तो भाई पब्लिक ही पब्लिक है, लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और रोड्स काफ़ी नैरो हैं, मैंने रियलाइज़ किया है, सेंट्रल लंदन की साइड आप आए तो रोड्स ये देखें आप कितनी नैरो रोड हैं, इसी से बसेस वगैरह सब गुजर रही हैं, तो लेकिन अब ये चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ऑब्वियसली हर कंट्री जो है वो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का बहुत ख्याल रखती हैं, तो यहाँ मोस्टली बिल्डिंग्स जो है
वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसलिए ये हलाल की काफ़ी आपको दुकानें मिल जाती हैं हलाल फूड की। तो ये पुलिस के ऊपर पुलिस भाग रही है, बड़ा भाई बहुत ज़्यादा बिजी है ये सेंट्रल लंदन, तो बहुत ही बिजी है। लाइक आई हैव नेवर बीन टू टाइम्स स्क्वायर, मगर ये काइंड ऑफ टाइम्स स्क्वायर ही होगा आई थिंक, इतना ही बिजी है ये। तो फाइनली काफ़ी मैं टायर्ड हो गया यहाँ पे घूम के, तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे थोड़ा खाना खाने। तो हलाल फूड यहाँ पे इजीली अवेलेबल है लंदन में, जो भी मुस्लिम्स भाई आना चाहते हैं बिल्कुल इजीली आ सकते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक मैंने लिया मेरिंडा, ये कभी पहले पी नहीं थी। और उसके अलावा ये टोटल जो मील है मुझे 9 यूरो की पड़ी है, तो चलें टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ये पार्क प्लाजा होटल है, काफ़ी मशहूर होटल है ये लंदन का, और ये लंदन बसों में बसें, काफ़ी अच्छी डबल डेकर बसेस चलती हैं यहाँ पे। अभी हम ये प्रेस कर देते हैं तो ये ग्रीन हो गया, तो हम रोड क्रॉस करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हमारे डबलिन में भी है मगर थोड़ा पुराना लगता है इनका, काफ़ी एडवांस है सेंसर सिस्टम लगता है मुझे तो यहाँ का इनका। तो वो दोबारा से हम वहाँ गए बिग बैंग क्लॉक की तरफ। अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट बहुत है, अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये इस सिटी में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सिटी है ये। वो ज़रूर आता है अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह के साथ। ये देखें यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, लग्जरियस गाड़ी कार्स, उसके अलावा तो हम ये दोबारा भी हम जा रहे हैं पार्क लेन की तरफ। पहले हम जाएंगे बकिंगम पैलेस, उसके बाद हम जाएंगे पार्क लेन, उसके बाद हाइड पार्क। तो तकरीबन हम ऑलरेडी पूरा ढूंढ लेंगे, अरे जल्दी जल्दी बंद होने वाला है, भागो भागो भागो। तो ये हम अगेन आ गए बिग बैंग की तरफ, तो चले यहाँ पे चलते अभी। तो फाइनली अभी काफ़ी थक गया हूँ मैं, आज सुबह से तकरीबन 9 बजे से मैं चल रहा हूँ, कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कितना रश है ये बकिंगम पैलेस की तरफ, लोग जा रहे हैं। तो अभी जाके देखते हैं क्या सीन है बकिंगम पैलेस का, वो भी हमने काफ़ी सुना है बकिंगम पैलेस, क्वीन का घर, किंग का घर। लोग रश से तो कुछ लग रहा है कि एक्साइटिंग होगा काफ़ी कुछ, लेकिन अभी देखते हैं चलें जाके, आपको भी दिखाएंगे हम रश। फिलहाल आप देखें कैसा जा रहा है, लेवल का रश है भाई, लेवल का रश है, काफ़ी लोग इस साइड जा रहे हैं बकिंगम पैलेस की तरफ। ये चलें रोड क्रॉस करते हैं, ग्रीन हो गया पेडिस्ट्रियंस का। तो अच्छा यहाँ पे टैक्सियाँ इस टाइप की होती हैं, यहाँ पे अगर आप टैक्सी देखें तो ये सारी इस टाइप की दिखाई देती हैं। ये गेट है, फिर गेट के अंदर जाके देखेंगे हम क्या सीन है। चले फिलहाल अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ बकिंगम पैलेस के, फिर जब अंदर पहुँच के आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। रश तो यार काफ़ी है, जब ज़्यादा क्राउड हो तो मज़ा नहीं आता घूमने में। आज क्रेजी है क्योंकि सैटरडे है, तो आज बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। तो चलें फिलहाल जो भी है दिखाते हैं अंदर जाके। तो भाई ये हमारा बकिंगम पैलेस का मेन आउटसाइड, वो देख सकते हैं आप। गार्ड्स खड़े हुए हैं, लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं अपनी। ये गेट है,
ये भी एक गेट है बकिंगम पैलेस का। यार इतना रश है यहाँ पे, क्या बंदा करे। वो देखें गार्ड्स खड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होम भी है ये, तो गार्ड देख रहे हैं। बहुत ही बिजी है भाई, बहुत बिजी है। गार्ड्स खड़े हुए हैं जगह जगह, कहीं हमें भी जगह मिले तो हम भी भाई देख लें। फिलहाल तो कहीं पे जगह ही नहीं है, गेट वेट में सब घुसे हुए हैं। यार रश इतना है, अगर किंग को बाहर निकलना हो या क्वीन जब जिंदा थी उसे बाहर निकलना हो, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आ रहा वो बाहर कैसे निकल दूंगे। यहाँ तो लोग ही इतने, यहाँ तो हुजूम है लोगों का। मेरे ख्याल से सैटरडे संडे को किंग या क्वीन बाहर नहीं निकल पाते होंगे क्योंकि लोग बहुत हैं। लेकिन चले कोई नहीं, ये आप भी देखें इंजॉय करें। बकिंगम पैलेस लंदन यूके। ये बकिंगम पैलेस के गेट में गार्ड, ये गार्ड आपको सामने मूव होता हुआ दिख रहा होगा बकिंगम पैलेस में। ये लंदन का एक सब्वे, और ये देखें यहाँ पे भी एक होमलेस है। तो जैसा आप सोचते हैं लंदन न्यूयॉर्क वगैरह के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे भी लोग काफ़ी टफ लाइफ गुजारते हैं। किसी किसी के पास यहाँ फूड वगैरह के लिए बड़ा इश्यूज होता है, लेकिन यह है कि सबके लिए बेहतरी हो, हम तो यही चाहते हैं। तो यही था बस आपको ये मकसद दिखाने का कि भाई लंदन में भी बहुत टफ लाइफ गुजारते हैं लोग। हाय गाइस, सो जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है लंदन में, तो काफ़ी अच्छा दिन गुजरा आज मेरा। तो मैंने काफ़ी बकिंगम पैलेस देखा, लंदन ब्रिज टावर देखा, और भी बहुत सारी जगहें देखी, हेवन फील्ड अपार्टमेंट देखा, और भी काफ़ी जगहें देखी, बिग बैंग देखा। और जैसा कि आपने देखा ही वीडियोस में जहाँ जहाँ मैं किया आपको दिखाता गया, यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखा। अभी मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वॉक कर रहा हूँ, विक्टोरिया स्ट्रीट देखी, विक्टोरिया स्टेशन देखा, काफ़ी जगहें देखी। अब घर की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ जाने के लिए अभी हालत ऐसी हो गई है कि सुबह 9 बजे से कंटिन्यूसली वॉक करके फाइनली अब डिसाइड किया कि भाई घर वापस अब जाया नहीं जाएगा। तो डिसाइड किया है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, आपको भी दिखाऊंगा जब मैं स्टेशन जाऊंगा कि कैसी होती है यहाँ की अंडरग्राउंड ट्रेन। तो उसमें मैं अब घर जाऊंगा, तो फिर आपको दिखाएंगे ट्रेन, और फिर अपना यही व्लॉग ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छा दिन रहा, पैसा वसूल, ठीक है भाई, आपको फिर अंडरग्राउंड ट्रेन दिखाते हैं। हाँ तो ये मैं अंडरग्राउंड जो इनकी ट्रेन है इस जगह आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी गर्मी है फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं अभी ट्रेन जब आती है तो कैसा फील होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन का, काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी मैं अंडरग्राउंड से आया, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत रश था, इतनी पब्लिक, खड़े होने की जगह ही नहीं, दो लिटरली 5 सेकंड के लिए गेट खुलता था उसी में निकलो, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत डेंजरस है। अवॉइड करें भाई जब भी लंदन आए, अंडरग्राउंड अवॉइड करें, बस में ट्रेवल करें।